एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केरला। और मेरा नाम है किरण मैं, आप देख रहे हैं किरण मैं ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं वायनाड, जो केरला में है, और बैंगलोर से वायनाड का जो डिस्टेंस है वो 300 प्लस किलोमीटर है। तो हम लोग को आने में 7 आवर्स 30 मिनट लगे, क्योंकि जो मैसूर हाईवे है वो बाइक के लिए बंद है, तो हम लोगों को सर्विस रोड लेके आना पड़ा। तो अगर आप लोग कार से आ रहे हो तो आप लोग मैसूर हाईवे लेके थोड़ा जल्दी भी आ सकते हो। तो आप लोगों को अराउंड 1 o'clock और 12 o'clock अगर आप निकलेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बाकी हम लोग जो पहला डेस्टिनेशन हम लोग आए हैं, इसका नाम है बानासुरा सागर डैम। काफ़ी बड़ा एक डैम है, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और पहाड़ों के बीच में है। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये आप लोग पहले आ सकते हैं। गाइस, यहाँ पे हम लोग काफ़ी एंजॉय किया, झूला झूले, यहाँ पे पूरा घूमे। काफ़ी खूबसूरत ये डैम है। तो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़े, जो कि है 900 कंडी। तो वो भी एक काफ़ी खूबसूरत जगह है, और उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑफरोडिंग करने के लिए मिलेगा। तो आगे मैं और भी सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यहाँ से हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है 1980s। यहाँ पे हम लोगों को ऑथेंटिक केरला खाना खाने के लिए मिला। तो वहाँ पे हम लोग लंच करने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े 900 कंडी के और। तो वो जो लोकेशन है उस डैम से लगभग 1 घंटे का जर्नी था, तो हम लोग उधर पहुँचे और फिर हम लोगों को शुरू हुआ ऑफ रोडिंग जर्नी, जो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है हम लोग का ऑफ रोडिंग जर्नी, जो आपको एक जीप में बिठा के लेके जाएंगे ऊपर तक, मतलब जहाँ पे आपका रिजॉर्ट है। तो ये जो रोड है ये लगभग 6 किलोमीटर आपको जर्नी करने के लिए मिलेगा, और पूरा ही ऑफ रोडिंग है, मतलब इतना ख़तरनाक रोड है, और जर्नी में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़। तो इस जर्नी को एंजॉय करते हुए हम लोग ऑलमोस्ट रिजॉर्ट के पास पहुंच चुके थे। तो इस जर्नी में हम लोग सब ने काफ़ी मज़ा किया, यहाँ पे आप देख सकते हो सबके चेहरे में हंसी है। तो इसके बाद हम लोग रिजॉर्ट पहुंच चुके थे, जिसका नाम है ग्रीन फॉरेस्ट। इस रिज़ॉर्ट के बारे में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस रिज़ॉर्ट का नाम है ग्रीन फॉरेस्ट रिज़ॉर्ट, और इसमें अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप एक पैकेज बुक कर सकते हो, जो पर पर्सन 1500 रुपये करके चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स इंक्लूडेड रहता है, और टेंट स्टे मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको एक ट्रेक में भी ले जाएंगे ये लोग, और जो जीप राइड था वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इस 1500 के अंदर। और बाकी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे उन लोगों का नंबर दे दूँगा, तो आप उनको कॉल करके बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे रिज़ॉर्ट पहुँचने के बाद हम लोग काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ का जो सामने का व्यू था काफ़ी खूबसूरत था, पहाड़ दिख रहे थे बादलों के बीच से। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा
आसपास एक्सप्लोर किया जहाँ पे हम लोगों को ये फॉल्स मिला था एकदम नज़दीक में, तो आप ये वाला रिजॉर्ट ज़रूर बुक करना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आज है दूसरा दिन 900 कंडी में, ये 900 कंडी वायनाड में है, तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर आइएगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। पहली बार तो ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस जो मैंने कल के वीडियो में ज़रूर दिखाया था, और यहाँ का जो माहौल है मतलब चारों तरफ जंगल, पक्षियों का आवाज़ प्लस सनराइज़ सनसेट काफ़ी मज़ेदार है, और ऊपर से आपको यहाँ पे टेंट में रहिए तो और भी ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा क्योंकि अलग एक्सपीरियंस है वो, और बॉनफायर भी होता है जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो काफ़ी मज़ेदार होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैक पे, छोटा सा ट्रैक है तो एक छोटा सा वाटरफॉल से उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं, ऊपर उठेंगे तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं ट्रैक पे और आपको सारा वीडियो बताते हैं। तो गाइस पहली बार जिंदगी में मैंने किसी पाउच के पानी पे नहाया, काफ़ी मज़ा आया। आप लोग वीडियो तो जरूर देखे होंगे, तो यार यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो ये 900 कंडी में आके ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर करना, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मज़ा भी आया। और अभी हम लोग और ऊपर जाने वाले हैं, आपको पाउच कुछ और दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। गाइस ट्रैक में बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी चढ़ाई है तो सांस भी फूल रहा है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो देखते रहिए आगे, चलिए ऊपर चलते हैं। काफ़ी नैरो सिचुएशन है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको पार करने के लिए, काफ़ी एक्साइटिंग है और ख़तरनाक भी है, तो हम लोग अभी खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं फिर आपसे। Ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Yes, this can be happening. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. तो गाइस अभी मैं यहाँ पे जो है हूँ टी प्लांटेशन के अंदर खड़ा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अभी आपको एक वीडियो दिखाया जो था एक जिप लाइन राइड, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट जिप लाइन राइड है। तो इसका जो प्राइस है 450 रुपीज़ पर पर्सन, और आपका जो वेट है वो 50 kg अबव होना चाहिए। बाकी मैं और कुछ बता नहीं, यहाँ पे और बहुत सारा राइड है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे आपको मिलेगा बग्गी राइड, जो आपको 1000 रुपये दे के एक बग्गी मिलेगा। तो यहाँ पे आप बग्गी राइड कर सकते हो। और यहाँ पे सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो है ये जिप लाइन राइड है जो आपने अभी अभी फिलहाल देखा था। तो यहाँ पे बहुत सारे राइड ऐसे राइड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक हॉर्स राइडिंग भी मिलेगा। तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ये जो वीडियो था यहाँ पे मैं इसको समाप्त करूँगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो लाइक मतलब पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने घर बैठे इसको देख पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।